हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड की बेसिक और मोनोमरिक यूनिट होती है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। आरएनए और डीएनए दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें राइबो शुगर पाई जाती है, जबकि डीएनए की पेंटोज शुगर में 2 प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए सामान्यतः सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड। न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइमेटिक रिएक्शन से एक चेन में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, 1 5 कार्बन शुगर और एटलीस्ट 1 फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और जब न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, एक नाइट्रोजनस बेस और एक 5 कार्बन शुगर आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो पहले नाइट्रोजनस बेसिस को समझते हैं। नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर और रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स सिंगल लिंक स्ट्रक्चर होता है जबकि प्यूरिन्स डबल लिंक स्ट्रक्चर। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन 3 इंपॉर्टेंट पिरिमिडिन्स हैं, जबकि एडिनिन और ग्वानिन 2 मुख्य प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स में इमिडाज़ोलिन पाई जाती है। पिरिमिडिन्स की नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं जबकि प्यूरिन्स की नंबरिंग ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिरिमिडिन्स 1 नंबर की नाइट्रोजन एटम से शुगर से जुड़ता है जबकि प्यूरिन्स 9 नंबर की नाइट्रोजन एटम से शुगर से जुड़ता है। 5 कार्बन शुगर। न्यूक्लिक एसिड्स में 2 प्रकार की पेंटोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में। पेंटोज शुगर की नंबरिंग 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम से की जाती है। नंबर के बाद प्राइम इसलिए ऐड किया जाता है ताकि नाइट्रोजनस बेस की नंबरिंग और शुगर की नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो। जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच बॉन्ड को बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक एसिड या फास्फेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। राइबोज शुगर और फास्फेट के बीच बॉन्ड को फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट कहते हैं। यदि 2 फास्फेट ग्रुप जुड़े हों तो न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फेट और यदि 3 फास्फेट ग्रुप जुड़े हों तो इसे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट कहते हैं। एटीपी, जीटीपी ये सब न्यूक्लियोटाइड्स के उदाहरण हैं। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट को शॉर्ट में एटीपी कहते हैं। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। जब ये फास्फेट से जुड़ा होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। लिविंग सेल्स में एटीपी एक एनर्जी करेंसी के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, ये थे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।